सरकार के द्वारा पक्का मकान का लाभ पाने वाले सभी आवेदकों के लिए नई अपडेट, नई सूचना, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित नई अपडेट देने जा रहे हैं। इस अपडेट में आपको बताएंगे कि कैसे आपको आवेदन करना है और कैसे आपको लाभ मिलेगा। 2024 समाप्त होने जा रहा है और इस 2024 के समाप्ति की ओर से ही अब जो पुराने नियम थे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने को लेकर, पात्र अपात्र घोषित करने को लेकर, सूची जारी करने को लेकर के और खाते में पैसा भेजने को लेकर के, वे सभी नियम में बदलाव किया गया है और साथ ही अब आवेदन करने वाले लोगों की पात्रता में भी बदलाव कर दिया गया है। अब क्या क्या बदलाव है वो तो समझेंगे ही, लेकिन जो लोग आवेदन करते हैं कभी कभी उनका अपात्र घोषित कर दिया जाता है, उनको पक्का मकान का लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में आपके लिए अच्छी जानकारी है, गुड न्यूज है कि अब आपको पक्का मकान मिलना आसान हो गया है, क्योंकि पक्का मकान का जो आप आवेदन करोगे उसकी जो जांच होगी वो सर्वेयर करेंगे। सर्वेयर कौन होंगे चलिए वो भी हम आपको बता दें। तो देखो 196 सर्वेयर प्रधानमंत्री आवास प्लस ऐप से करेंगे पात्रों का चयन। अब सरकार ने आवास प्लस ऐप को लॉन्च कर दिया है और आवास प्लस ऐप पर ही आप लोग का जो ऑनलाइन आवेदन कराया जाएगा, आवेदन कराने के बाद आपका ऑनलाइन ही पात्र अपात्र घोषित किया जाएगा। सूची जाते ही आपको मकान का पैसा आपके खाते में मिल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करके आपको दिखा देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा आसान समझ में आए कि यहाँ पर क्या कुछ बताया गया है। देखो यहाँ पर अगर बात करें हम तो लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के 33 और शहर के 15,925 लोगों ने किए हैं आवेदन। ये एक जगह की बात है अमरोहा की, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पर है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, पक्के मकान की अगर आपको चाहत है और आपने आवेदन किया हुआ है तो जो सर्वेयर अधिकारी हैं वो आकर के आपके घर पर विजिट करेंगे और देखेंगे कि आपका मकान कैसा है, आपकी स्थिति क्या है, आप जो है पात्रता सूची में हैं या नहीं है। अब पात्रता सूची क्या है वो यहाँ पर दी गई है। सर्वे का काम शुरू हो चुका है, सर्वेयर बना दिए गए हैं, घर घर जाकर सर्वेयर पात्रों का चयन करेंगे। जो भी आवेदन आए हैं उनकी सूची सर्वेयर को ग्राम पंचायत वार उपलब्ध कराई जाएगी ताकि उनकी जांच भी ऐप से की जा सके। मतलब के पहले तो आपको आवेदन करना है, अगर आप खुद से मोबाइल से आवेदन करना जानते हैं तो आप आवास प्लस ऐप को इंस्टॉल करके आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप ब्लॉक पे जाकर भी आवेदन कर सकते हैं और प्रधान सचिव से मिलकर भी पक्का मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद यह जो आवेदन आप करोगे उसकी पूरी लिस्ट बनेगी, किसने किसने आवेदन किया है, और ब्लॉक वाइज यह सूची सर्वेयर को उपलब्ध करा दी जाएगी। सर्वेयर के पास कितनी ग्राम पंचायतें चेक करनी है वो दी जाएंगी। उन सभी ग्राम पंचायतों से किसने किसने आवेदन किया है उसकी सूची दी जाएगी, फिर वे सूची में नाम पढ़ पढ़ के आपके घर पर आएंगे। तो सर्वेयर जो आएंगे घर पर वो आपसे जानकारी पूछेंगे। अब सर्वेयर आपसे क्या क्या पूछेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सर्वेयर आपके घर पर आएंगे तो एक ग्राम पंचायत में 3 सर्वेयर घर घर जाकर पात्रों को चिन्हित करने का काम करेंगे। एक घर पर 3 अधिकारी आएंगे जिनको सर्वेयर कहा जाता है। सर्वेयर नाम दिया गया है, वो क्या करेंगे कि ऐप पर, कौन से ऐप पर, आवास प्लस ऐप पर, आवास प्लस ऐप पर गृह स्वामी की फोटो, जो घर के मालिक हैं, स्वामी हैं, जो मुखिया हैं उनकी फोटो अपलोड करेंगे। जिस जमीन पर घर बनेगा उसकी फोटो अपलोड करेंगे, जमीन है तो उसकी फोटो है, टूटा फूटा घर बना तो उसकी फोटो, झोपड़ी पड़ी है तो उसकी फोटो, मतलब जैसा भी आपकी स्थिति है उस स्थिति को आपके साथ में फोटो खींच कर अपलोड करेंगे। ठीक है, तो फोटो अपलोड होगी, घर की फोटो अपलोड होगी, मकान मालिक की, घर जमीन का जो भी मालिक है उसकी फोटो अपलोड होगी, घर की मौजूदा स्थिति की तस्वीर भी अपलोड होगी, भी वास्तव में अभी आपका घर कैसा बना है, टूटा फूटा जैसा भी है उसकी फोटो अपलोड होगी। ऐप का प्रयोग किस तरह होगा इसके लिए सर्वेयर को प्रशिक्षण
मिलेगा। तो अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया आवास प्लस ऐप पर कैसे आपको सर्वे करना है, कैसे फोटो खींच के अपलोड करनी है, सब कुछ वहां पर और भी पूछा जाएगा। केवल फोटो ही नहीं, मुखिया से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या काम करते हो, आजीविका क्या है, कितने परिवार में लोग हैं, इस तरीके से जो कुछ भी प्रश्न होंगे पूछ करके वो भर देंगे। सर्वेयर जब आवास प्लस ऐप पर आपका पूरा सर्वे कर देंगे और सब कुछ भर देंगे तो उसके बाद 3 महीने के अंदर आपको पैसा मिलेगा। अब कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो ये होंगे पीएम आवास ग्रामीण के लिए अपात्र। अपात्र मतलब जो इसमें पक्का मकान नहीं पा सकते। उसमें देखो है पहला पक्के मकानों में रहने वाले परिवार। अगर आपका पहले से पक्का मकान तो आवेदन मत करना। जिनके यहाँ तिपहिया चौपहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन अगर आपके पास है तो आवेदन नहीं करिएगा। 50,000 या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारक ये भी नहीं करेंगे। वे परिवार जिनका कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो इनको भी नहीं मिलेगा। सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार ये भी नहीं करेंगे। वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपए से अधिक प्रतिमाह कमा रहा हो, आपके परिवार में से मुखिया ही कमा रहे हैं या फिर आपका बेटा कमा रहा है या आपके परिवार में कोई भी 15,000 से ज्यादा रुपए कमा रहा है महीने के, तो आपको आवेदन नहीं करना है। आयकर देने वाले इनकम टैक्स भर रहे तो भैया बिल्कुल नहीं करना। व्यवसाय कर अगर आप बिजनेस का टैक्स देते हो तो भी नहीं करना। वे परिवार जिनके पास 2.5 यानी कि 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है, अगर आपके पास 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है तो भी आपको आवेदन नहीं करना। वे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि है, 5 एकड़ से अधिक अगर आपके पास तो भी आवेदन नहीं करना। तो ये लोग हैं अपात्र। तो अगर आप आवेदन करोगे भी जांच होगी तो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि पक्का मकान मिलेगा किसे, पात्र कौन है। तो ये होंगे पात्र। देखिए पहला है वे परिवार जिनका कोई सदस्य 15,000 रुपए से प्रतिमाह कमाता हो। अगर आप 15,000 रुपए प्रतिमाह कमा रहे हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। 15,000 से कम कमा रहे हो, 14.5, 14.13, 12, 10 कुछ भी, तो आप आवेदन कर दो। लेकिन 15,000 से ज्यादा कमा रहे हो तो आवेदन नहीं करना है। वे परिवार जिनके घर में दुपहिया वाहन है, तो अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। जैसे पहले क्या था, पहले जब आवास मिलते थे तो अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आपको आवास नहीं मिलता था, लेकिन अब सरकार ने बदल दिया है। अब सरकार ने कहा है कि अगर मोटरसाइकिल है तो भी आवास मिलेगा। तो अगर आपके घर में मोटरसाइकिल है तो आप भर सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। आश्रित आश्रय विहीन परिवार, जिसके पास कोई आश्रय नहीं है उसको भी लाभ मिलेगा। बेसहारा भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, हाथ से मैला धोने वाले, आदिम जनजाति समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बधुआ मजदूर, भूमिहीन परिवार, तो इनको मिलेगा लाभ। ठीक है, और भी इसमें मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ जानकारी और भी बताई है, तो वो सब भी वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने बहुत और भी जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के दी है, तो वो भी आप सबके लिए बहुत काम की है। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो अमरोहा में 3,053 गरीब परिवारों को आवास मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है सर्वे का कार्य कराया जा रहा है। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे शुरू हो चुका है। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हो आवास प्लस ऐप पर तो भी आपके घर पर सर्वेयर आकर के अधिकारी जांच करेंगे और दोबारा से आवास प्लस ऐप पर फिर से आपका सब कुछ डाटा फोटो वगैरह अपलोड करेंगे। भाई देखेंगे आपने जो भरा है वो सही भरा या नहीं, या आप प्रधान के पास या ब्लॉक से या फिर किसी भी अधिकारी से मिलकर, सचिव वगैरह से मिलकर ऑफलाइन फॉर्म भरते हो तो भी वो आकर के मतलब जो है घर पर आपके सर्वेयर अधिकारी चेक करेंगे और ऐप पर ऑनलाइन तरीके से आपका आवेदन करेंगे। तो यह है एक नई अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।